Hey, hello everyone, welcome back to my channel. I'm Anushka. For today's video I'm going to share with you Saraswati Puja vlog. And intro मैं दो दिन पहले ही ले रही हूँ because ताकि मैं भूल ना जाऊँ. Okay, so और I want कि सरस्वती पूजा vlog थोड़ा सा लंबा हो and because आजकल मेरे से vlog बनाया ही नहीं जाता है, इतना आलस आता है, मेरे को time भी नहीं मिल रहा. इस साल तो और टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज मैं टेंथ में आ जाऊंगी. अभी एक महीना भी नहीं है बीच में. यस, आई एम एक्साइटेड बिकॉज हर लड़कियों का एक्साइटमेंट अलग लेवल का ही होता है सरस्वती पूजा में, बिकॉज जी खुल के तैयार होने का मौका मिलता है उस दिन. कोई कुछ नहीं बोलता है, कितना भी तुम मेकअप कर लो, कुछ कर लो. या दैट्स इट. कल मैंने अपने हेयर्स पे कुछ कार्यक्रम करा था, कट भी करा था, मैंने खुद से करा था. एंड नाउ आई एम इन लव विद माय. मेरी मम्मी का रोज़ पार्सल आता है, पता नहीं क्या ही ऑर्डर करती रहती है. और आज पापा ऑफिस में गए, उनके सामने ही पार्सल आ गया. तो गाइज लास्ट पैसे अकाउंट मन सो इट्स अ हेयर ड्रायर. फिलिप्स का एक लाया था लास्ट महीने भी, और फिर से एक लाया है बिकॉज वो मेरी दीदी ले गई. और कितने पार्सल आएगी मम्मी? पता नहीं, जब मन करेगी तब ऑर्डर दूंगी. मतलब क्या ही एटीट्यूड दिखा रही है. मम्मी की पार्सल वगैरह खोलने के बाद मैं और पापा गए नदी में टाइगर और मैगी को नहलाने के लिए. गुड मॉर्निंग द नेक्स्ट डे. और आज है बीच वाला दिन और कल है सरस्वती पूजा. गाइस अभी मैं अपना टेबल साफ करूँगी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने पापा से बहुत ज़्यादा डांट खाया बिकॉज वो कॉल कर रहे थे और मैं दीदी से बात कर रही थी. तो मतलब एक बारी में कॉल नहीं उठाऊँ ना तो उसके बाद जो डांट लगाते हैं ना, इसी से मेरे को डर लगता है. और सुबह सुबह यही हुआ. और अभी मैं अपना टेबल साफ करूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, देन पूजा करूँगी. पूजा आज नहीं करूँगी, पूजा कल करूँगी. बट अभी टेबल साफ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वैसे मैं, मेरा टेबल इतना गंदा नहीं होता रहता है. मैं टेबल में इन दिनों पढ़ाई नहीं कर रही हूँ इसीलिए इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है. मैं ऐसे बेड पे पढ़ती हूँ सर्दियों के दिनों में. ओके, सो अभी मैं साफ़ सफाई करती हूँ जल्दी जल्दी बिकॉज मेरी मम्मी भी मेरे को डांट रही है. एक साथ मैं डांट खाती हूँ मेरे पापा से और मम्मी से. और ये मेरी टेबल हो गई है साफ, जो मैंने किया है बहुत अच्छे से. एंड अभी मैं थोड़ा सा अपने करूँगी अपना स्किन केयर बिकॉज इट्स सरस्वती पूजा. एंड चलो करते हैं, थोड़ा सा कुछ लगाते हैं. आई विल शो यू मैं क्या लगाऊँगी अपने फेस पे. एक मैजिक पैक होता है जो कि एक्चुअल में मैं भी सरप्राइज हो गई थी, मेरे को रील्स में दिखा था. इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा. इमान होरू होरू एलोवेरा के डाल देखा बहुत लाज लगे. ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को रेसिपी दे देती हूँ क्या उसको फेस पैक कैसे बनाना है. एक एलोवेरा, एक नहीं जितना लगाओगे, जितना बनाना है उतना एलोवेरा लेना. उसका जो बीच का जेल है वो निकाल लेना है. उसके बाद उसमें डालना है उन सब, उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालो. उसमें डालो चावल का आटा, अगर चावल का आटा नहीं है तो चावल डाल दो भिगो के ढो के अच्छे से, पानी के साथ नहीं, सूखा हुआ. और उसके बाद उसमें डालो एलोवेरा जेल और वो क्या था, रोज़ वाटर. उन सबको ना मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छे से. ये कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद.
ओके सो नाउ लुक एट माय स्किन गाइस, क्या ही ग्लो कर रही है। ओए होए, मतलब धूप में बहुत ही ज़्यादा, बट स्टिल धूप में ही तो ग्लो करती है। ओके, बट ये पिंपल नहीं जाने वाला। मेरे नेल्स भी रेडी हो गए हैं, अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं रेडी हो जाऊंगी और मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, मतलब मेरी बेस्टी भी आ रही है, वो भी रेडी होएगी इधर ही। एंड अभी मैं जाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद मेरे को बहुत सारा काम है। मेरे को ग्रेटिट्यूड भी बनाना है और वही सब का काम है, कोई वो एकदम लॉजिकल काम नहीं है। हाँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ ताकि भगवान जी इस बार ना पास करा दे बस मेरे को, अगली बार से अच्छे से पढ़ूंगी। हियर आई एम रेडी। ये Yes. सुलिखने की फाज में। हाय गाइस, हमारी साउथ इंडियन चौकड़ी, मतलब साउथ इंडियन नहीं है बट दिखती वैसी। ए मोरबी मोरबी गाड़ी ऐसी देख, तुझे मैं लोई देख लो। हाँ एक तुझे लोई देख लो, मैं आपको ना ओबात ओबात आते काफ़ बार आते थे बहु। পাল্টনা মেকআপ কলিছে গাইছ, মেকআপ কোনে কৰিছে বাৰু? এবিলাক মোৰ নেচাৰেল বিউটি গাইছ, মই অকমান। অ গাইছ, 1 কেজি মেকআপ কৰি নেচাৰেল বিউটি মুখখন দেখাবে ভাই। তই লিপষ্টিক অপা লগাইছি, ভেৰি প্ৰিটি, থ্যাংকস। तो अभी बहुत सारा काम है वो करने जा रही हूँ, अगर मौका मिला तो मैं वीडियो करके दिखाऊंगी मैं क्या करने जा रही हूँ। আমার স্ট্রিক্টেস্ট টিচারে মুখে সাই আছে, মই কি কই আছি মানে হাজির আছি এই মোৰ অবস্থা আছে, মই ফটো এখন ভালকে উঠা নাই আৰু ইয়াতে গৈছো মানুহবোৰৰ জানো মোৰ ব্লাউজটো দিছে সাথে গাইছ কাই মিছি নাই উঠা টিচাৰেও কৈছে আৰু কিছুমান মানুহেও কৈছে, কিছুমানে নহয় এজনীয়ে কৈছে। ওকে কই বাত নেই হাম সে লে अभी हमको पढ़ना पड़ेगा। और वो गाइस हाउ आई एम लुकिंग हाय गाइस, ए तखते गाइस एक बार अगत सिलेबस खत्म करिसे आरो दाय दिया खूब गाइस, ताई किबा 24 घंटा 25 घंटा पढे होना को 24 घंटा 25 घंटा तो हम ताई गे हे तू 25 घंटा सॉरी 24 घंटा सॉरी 23 ताई दिखावा लागि 24 घंटा 25 घंटा ओ तोनु जा ताई समझ बिगनत बात ओ समझ बिगनत बात एबरे इमान पढे अनि पढिबो नहि
পড়িব পাৰো আমি নপৰো হেতু অ ইয়েস ওকে আই উইল নাও ইয়া গোইং বাই হাই গাইস বাই গাইস অ তাই ব্লগ বনা থাকি যাম দে গেল গাইস প্রত্যেকবার যদি আজি আমি ব্লগটো বেয়া কৰিব আহিছো হয় কিবা কব নাই বেলেগ একো নকওঁ মই ব্লগতে বেয়া কৰিব আহিছিলোঁ বাই পৰীক্ষা যে আহি আছে কিবা গাত আছে লাগি নাই একদম পঢ়াই কৰা নাই মই ইমান যে প্ৰাউড ফিল কৰি কৈছা মানে সৰস্বতী পূজাটো আজি গ'ল ন আজি পঢ়িম ঠিক আছে আজি পঢ়িব নাপায় আজি না কালি পঢ়িম কালি না পঢ়ো কালি পঢ়িব নাপায় পৰহি পঢ়িম হচি তা পাৰবি যা তই গাইস খাইব এই আৰু খাইছা যে অ মই খাব দিছা কৈছে গাইস ইয়াৰ পেট ফুল নহয় না খালে খাইছা খাইছে বিদ দালি ভাত गाड़ी में आए थे रिक्शा में जा रहा था कोली कोली हां कोली कोली जा रहा था गाइस आर कोली में हां क्लिप क्लिप तो क्लिप तो देखा है ये मेरी मम्मी हां बगल में ओके गाइस सो पूजा हो गया है पूजा वगैरह हम लोग आ गए हैं एंड आई वांट टू टेल यू गाइस समथिंग कुछ लोगों ने मेरी जो ब्लाउज को लेकर कुछ लोगों ने मतलब कुछ मेरे टीचर्स ने और एक लेडी ने मेरे को बोला कि तुम्हारा ब्लाउज इतना कटा हुआ है और तुम्हारा जो इनरवेयर है वो दिख रहा है ये ब्ला ब्ला सीरियसली मैं नाइन्थ में पढ़ती हूँ और अभी से मैं ये सब ठकना शुरू कर दूँ लाइक सीरियसली मेरे को समझ नहीं आता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है या तो उनकी नज़रें गंदी है या फिर मैं गंदी हूँ मैं तो गंदी मैं नहीं बोलूँगी खुद को जैसे कपड़े पहनने के जाने के लिए बोला है मतलब थोड़ा सा ढंग का कपड़ा वही पहन के गई हूँ ना स्लीवलेस पहन के गई थी ना कुछ दैट्स इट मेरे को बोलना था ये बात बहुत मेरे दिमाग में ऐसे टंग टंग कर रहा था सो इसलिए मैं इधर बोल रही हूँ एंड यही एक दिन होता है जिस दिन हर लड़की किसी की एज लिमिट नहीं होती हर लड़की हर कोई स्टाइल करता है सो इसमें किसी को जज करना आई डोंट थिंक इट्स गुड अगर मेरी मम्मी को कुछ गलत दिखता तो वो मेरे को ऑफकोर्स बोल देती बट यस मेरे टीचर्स ने मेरे को अच्छे से ही बोला कि तुम्हारा ये इनर दिख रहा है तो इसको अंदर डाल लो ऐसे मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं बट देयर इज़ अ लेडी गाइस इतनी मतलब ओके क्या करे सोसाइटी ऐसी है व्हाटएवर आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल That's matter.